मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिलती है जी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ गरीबी, वो गरीब ना गरीबी है ना महंगाई है। ससुराल से खूब इसलिए ससुराल से हुई भूल सो हुई भूल, अब न चुनेंगे कमल के फूल, हवा चली उड़ी धूल, नहीं बचेगा कमल के फूल। देखो महंगाई तो है, महंगाई को कोई नहीं देख सकता। हाँ। कारोबार तो बंद है। हाँ। कारोबार बिल्कुल किसी के है नहीं। हाँ। आज रिक्शा चलाने वाला भी 10 रुपए अपने घर ले जा नहीं सकता। हाँ, हाँ हम दुकानदार है, लेबर है। हाँ। इसका तो दिहाड़ी चालू है 400 रुपए का, हम 1000 रुपए कमाएंगे जब भी 400 देंगे ना। माल बिक ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में डिमांड नहीं है क्योंकि पब्लिक के पास पैसे नहीं आ रहा है। महंगाई जरूरत से ज्यादा है। अच्छा। पहले चाय 5 रुपए का मिल रहा था, साला 10 रुपए का मिल रहा है। महंगाई जरूरत से ज्यादा है। अच्छा। पहले चाय 5 रुपए का मिल रहा था, साला 10 रुपए का मिल रहा है। कहाँ से आए, नहीं आए, जहाँ से जहाँ से किराया खर्च करके आए और चांदनी चौक में घूम रहे, महंगाई कहाँ है? महंगाई बोले कहाँ हम रहते हैं, यही रात में चांदनी चौक तो रोज ही आते हैं। क्या कितना किराए पे रहते हो अपना मकान है? कितना किराया दे रहे हो? 5000 रुपए कमाते हो? 15000 रुपया। 15000 रुपए कमाते हो तो फिर किराया दे रहे हो ना? फिर क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्यों नहीं है? महंगाई क्या क्या लगता है अभी जो महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई तो है ही, बहुत ज्यादा महंगाई है। बोल रहे कि है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? आज 18 साल से नौकरी कर रहा है, साला वही 400 रुपए मिलता है, 500 रुपए मिलता है, उसमें क्या होगा? सब कहते हैं ना, मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए आएगा। कोई आदमी इतने यहाँ खड़ा, मेरा चैलेंज है कोई बता दे कि किसने कहा था? अमित शाह ने एक्सेप्ट किया था ये जुमला। हाँ तो जुमला है ना, बोले थे। अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए, अब आप बड़ा बड़ा बैनर लगा, बड़ा झगड़ा नहीं। महंगाई तो चीज ही है, गरीब कहाँ से खा रहा है? गरीब कौन है यहाँ इस NCR में? कौन आदमी ऐसा है, कोई भी झुग्गी झोपड़ी, किसी की झोपड़ी में AC ना हो, TV ना हो, बताओ फ्रिज ना हो सर, फिर अमीर नहीं अमीर। सर क्या लगता है 24 में पब्लिक को चाहिए हराम का? हाँ। पेंशन दे दे गवर्नमेंट। हाँ। नाज दे दे गवर्नमेंट। हाँ। उनको दवाई दे दे फ्री में। हाँ। काम नहीं करना। हाँ। बुरी सरकार है, कुल मिलाकर बात ही है, सरकार अच्छी नहीं काम, सरकार एक नंबर काम कर रही है। हाँ। अपनी जगह बढ़िया काम कर रही है, बात खत्म। सरकार ही तो अनाज दे रही है फ्री में सर, वो अभी बजट आया 1 तारीख, पब्लिक को मुंह लगा दिया ना, आदत खराब कर दी। हाँ। सर क्या लगता है 24 में पब्लिक को चाहिए हराम का? पेंशन दे दे गवर्नमेंट, नाज दे दे गवर्नमेंट, उनको दवाई दे दे फ्री में। काम नहीं करना, बुरी सरकार है, कुल मिलाकर बात ही है, सरकार अच्छी नहीं काम, सरकार एक नंबर काम कर रही है। हाँ। अपनी जगह बढ़िया काम कर रही है, बात खत्म। सरकार ही तो अनाज दे रही है फ्री में सर, वो अभी बजट आया 1 तारीख, पब्लिक को मुंह लगा दिया ना, आदत खराब कर दी। हाँ। कमाना कोई जानता नहीं। हाँ। सबको फ्री का चाहिए बस, बोल रहे रोजगार तो है ही नहीं, क्या करे? बतेरा रोजगार करने वालों का काम की कमी थोड़ी ना है। मैं लगवाऊँ बताओ, आज मैं 20 आदमियों की नौकरी लगवा रहा हूँ। आज क्या करते हैं आप सर? हैं मेरा इवेंट का काम है। हा? इवेंट का काम है, का काम है। काफी काफी लोग मिलते हैं हमको सर, बेरोजगारी बहुत है सर, आप आज धन्य हो जाएगा। 20 आदमियों का काम आज लगवा दूं मैं, 20 आदमी यहाँ आज रात से ही। हाँ, कितना कितना सैलरी रहेगा सर? 600 रुपए दूंगा एक रात के, एक रात का 600। क्या काम रहेगा सर? है क्या काम रहेगा? काम यही रहेगा तुम्हारा, जो टेंट वेंट का अगड़म झगड़म का, यही हलवाई वलवाई काम रहेगा, इवेंट का काम है मेरा। तो कितना उसका पढ़ा लिखा, क्या क्वालिफिकेशन? अनपढ़ चाहिए मेरे को, अनपढ़ को मिल जाएगा? हाँ। 600 रुपया पर नाइट, 600 रुपये पर नाइट, ठीक है सर। क्या कहिएगा सर, क्या लगता है अभी जो महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई तो है ही, बहुत ज्यादा महंगाई है। बोल रहे कि है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? आज 18 साल से नौकरी कर रहा है, साला वही 400 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है, उसमें क्या होगा? कहाँ गए वो भाई साहब, निकल गए? खर्चा 1500 रुपया मिल रहा है, 400-500 रुपया। बोले काम करने वाला नहीं है, काम बहुत है। अरे काम ही नहीं है। हाँ। बोनी नहीं होता सुबह से शाम तक। हाँ। पूछना है बेचारे से कितना कमाया सुबह से शाम तक, काम है कि नहीं है? काम तो भाई बहुत है, ऐसे है सर। हाँ। बहुत है काम, बहुत है। हाँ। काम बहुत है, काम बहुत। सरकार कैसा काम किया? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सरकार, अच्छा काम कर, बिल्कुल जी। 24 में क्या लगता है? और 24 में वही होता है कि जो कि आप भाई बोल तो रहे हैं, काम बहुत है सर। जब काम बहुत है कि इनका दिहाड़ी लग गया। हाँ। हम दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हाँ। मगर रह गया, और दुकान के अंदर में कोई दुकानदारी होगा? जब आप दुकानदार हैं? हाँ हम दुकानदार है, लेबर है। इसका तो दिहाड़ी चालू है 400 रुपए का, 1000 रुपए कमाएंगे जब भी 400 देंगे ना। माल बिक ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है।
मार्केट में डिमांड नहीं है क्योंकि पब्लिक के पास पैसे नहीं आ रहा है। पब्लिक के पास पैसे नहीं है हाँ, जिसके पास है वो रखा हुआ पैसे वो खर्चा नहीं करना चाहता। खर्च नहीं, तो इसमें सरकार का कितना गलती है? सरकार का ही सरासरी गलती है, और गलती है किसका? इतना महंगाई रहेगा तो कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा ये बताइए। महंगाई है, महंगाई जरूरत से ज्यादा है। अच्छा। पहले चाय 5 रुपए का मिल रहा था, अब साला 10 रुपए का मिल रहा है। कहाँ से आए, करके आए नहीं आए, जहाँ से किराया खर्च करके आए और चांदनी चौक में घूम रहे, महंगाई कहाँ है? महंगाई बोले कहाँ हम रहते हैं, यही सहारा में चांदनी चौक तो रोज ही आते हैं। क्या कितना किराए पे रहते हो? अपना मकान है, कितना किराया दे रहे हो? 5000 रुपए कमाते हो? 15000 रुपया 15000 रुपए कमाते हो तो फिर किराया दे रहे हो ना? फिर क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्यों नहीं है? महंगाई क्या है? 15000 में बच्चे को पालोगे कि खुद बोलोगे? सर सवाल सवाल सुन लीजिए इनका, इनका क्या इनका सर दुकान है, उसी में खा ही रहे हैं और क्या करेंगे? तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? महंगाई क्या है, क्या चीज में कमी आई है बताओ? तुम्हारे में चाय 5 रुपए का मिलता था, अब 10 रुपए का मिल रहा है। पान खाते थे पहले कितने का आता था? गुटखा 3 रुपए का। पहले गुटखा कितने का आता था? 12-5 रुपए का। अरे 3 रुपए का आता था ना, 5 क्यों खा रहे हो? महंगाई है तो। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोले महंगाई है तो गुटखा कहाँ से क्यों खा रहे हो? 5 रुपए का क्यों? अब आदत पड़ी है तो खाना ही पड़ेगा ना। तो फिर सब चीज जिस चीज की आदत पड़ी है वो खानी ही पड़ेगी। हाँ यही कहानी है। हाँ तो बस यही बात है, मतलब कि आमतौर सर 1 मिनट सर, आम से 10 रुपए की है, पी रहे हैं सब। फिर महंगाई है क्यों पी रहे हैं? शराब की बोतल 100 रुपए की थी, 1000 रुपए की है, क्यों पी रहे हैं? पीने वाले से पूछिए जिसे हमारे बात की है, मेट्रो में घूम रहे हैं। हुआ करती थी, आज 15000 है, वो तो एक बार नहीं कही आप लोगों ने। पहले कितने रुपए तनख्वाह थी जब यहाँ से बिहार कर रही है? इतना काम हो रहा है, पहले जब आए थे कितनी तनख्वाह थी? 7000 और अब 15000 है, फिर डबल से ज्यादा हो गई ना। तो तनख्वाह तो है, मोदी ने थोड़ी, पहले अकेले थे अब 4 बच्चे। अरे तो अरे मोदी को छोड़ो, अरे अरे शादी इस पे कमेंट नहीं सर, ये पर्सनल इस पे बच्ची तो बढ़ेगा तो कमाई को छोड़ो, महंगाई किस बात की है? पैदा काहे के लिए हुआ? मत हो बच्चा बच्चा इस पे करना करे, नहीं करो ना क्या शादी करना तो सर खर्चे से आपको इस पे गलत, ये गलत बात है। नहीं 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 मैं बताता हूँ, तुमने शादी करी, सुनो शादी करी थी। अरे इस पे कमेंट नहीं सर, शादी पे कमेंट नहीं, सबका पर्सनल। शादी करी थी तो ये भी तो सोचा था ना कि बच्चे होंगे तो पैसे कमाऊंगा, तो डबल हो तो गए। दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, दो बच्चे बीवी हो गई, तनख्वाह भी तो डबल हो गई। उसमें गुजारा नहीं हो रहा ना, गुजारा नहीं हो रहा, दो काम करो, दो काम करो। अरे ये अब तुम ढूंढो ना, ये तुम ढूंढो क्या काम है, अभी क्या काम करते हो, अभी क्या काम करते हो? क्या करते हैं? क्या सप्लाई करते हो? डबल करो उसको, वो डबल नहीं हो पाई, बढ़ाई नहीं हो पा रही, तो फिर उतने में सबर करो। नहीं तो फिर ये मत कहो कि महंगाई है ना, सस्ती हो गई क्या? महंगाई इधर से महंगाई नहीं है, महंगाई के नाम पर मोदी सरकार आए थे बोले उनके 14। हां सर, सर सर इस पे हम घेरेंगे, समर्थन नहीं कर रहे। नो टॉक गोइंग ऑन विद यू, कीप साइलेंट। हम मोदी का नाम ही नहीं लिया, हम मोदी को जाने दो। हमने बोला कहा 14 मोदी आए थे तो बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। अरे मोदी की बात ही क्यों कर रहे हो आप? मोदी को छोड़ दो, मोदी का नाम ये ले रहे, मैंने लिया नाम। इनका कहना है सर शेयर बाजार से रेट बढ़ता है ना, ये कोई मोदी या केजरीवाल थोड़ा ना बढ़ाता है, ये सरकार के हाथ में। एक बात सुनो तुम, ये बताओ मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने तो नहीं लिया मोदी का नाम, मोदी का नारा नहीं दिया था आपको, इनके साथ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोगों का चैलेंज है मेरा। सुनिए सुनिए, मोदी ने सब कहते हैं ना, मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए आएगा, कोई आदमी इतने यहाँ खड़ा, मेरा चैलेंज है कोई बता दे कि किसने कहा था? अमित शाह ने एक्सेप्ट किया था ये जुमला। हाँ तो जुमला है ना, बोले थे। अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए, अब आप बड़ा बड़ा बैनर लगा, बड़ा झगड़ा नहीं, आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ मेरा चैलेंज है, यदि मोदी ने ये कहा हो, मैं मोदी का समर्थन नहीं हूँ ना समर्थक हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यदि मोदी ने ये कहा हो कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे तो मैं उसकी टांग के नीचे निकलूं। देखिए वो हम पैसा की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे बहुत ही बड़का बड़का बैनर लगा रहता था उसका स्टेट। क्या बैनर सर, बैनर में क्या रहा? बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार है दिल्ली में बड़ा चौड़ा पे आएगा, वो तो अभी भी आएगा, वो तो अभी भी आएगा, अभी भी आएगा। और हाँ हम सर कुंडली लिखते हैं हम सर, सवाल ये सवाल सर, मोदी जी का ये नारा था सर बहुत हुई महंगाई की, होगा आ गई ना,
अब मोदी का नाम क्यों ले रहे हो आप? बात हुई थी महंगाई की, वो कहाँ चले गए सज्जन? महंगाई है ना? हाँ तो हम कह रहे नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोल रहे नहीं है, इनके नहीं लग नजर में है ना। क्या महंगा हो गया बताओ ना, क्या महंगा हो गया? जो सरसों तेल घरे घर बनता है 80-70-75 लीटर था, 200 पार हो गया सरसों का तेल। हाँ पूछिए ना इनसे, अरे अब कितना कमाते थे, अब कितना कमाते? मैं नहीं कमाता, मैं महंगाई है बोले रोजगार हूँ, अब बताइए, मैं रिटायर हूँ, पैसा तनख्वाह वो नहीं मिलता मुझे, पेंशन नहीं मिलता, तो फिर कैसे खाते हो? महंगाई आपके लिए नहीं यार, तुम जैसे महंगाई तो है, महंगाई तो चीज ही है, गरीब कहाँ से खा रहा है? गरीब कौन है यहाँ इस NCR में? कौन आदमी ऐसा है, कोई भी झुग्गी झोपड़ी, किसी की झोपड़ी में AC ना हो, TV ना हो, बताओ फ्रिज ना हो सर? फिर अमीर नहीं, अमीर नहीं, अमीर नहीं कह रहा मैं किसी को, अमीर नहीं, अमीर का मैं तो गरीब की बात ही नहीं कर रहा, इस NCR की यहाँ खड़े जहाँ बात कर रहे हो, अरे अमीर की बात ही नहीं कर रहा मैं, लेकिन गरीब नहीं है, दिल्ली के उत्तर गरीब नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा, गरीब नहीं है कोई भी, हर एक के गरीबी उत्तर पूर्वी जिला, आप गए एक एक करके सर, बारी बारी से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने? मैं यही का रहने वाला हूँ, यही के रहने वाला बस, तो फिर आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सुनिए, जमुना पार की बात कर रहा हूँ, देश की, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जहाँ अमेठी रायबरेली जो जहाँ पर बड़े राजा लोग लड़ते थे चुनाव, वहाँ आज भी गरीबी, वहाँ है गरीबी, राहुल गांधी वहाँ से लड़ते थे, वहाँ आज भी गरीबी है, लेकिन NCR में गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है, नहीं है, बोल तो रहे गरीबी। देखिए ये फील्ड पर के आदमी नहीं है, जमीन पर के आदमी नहीं है, हवा में, आप जमीन पे नहीं रहते क्या सर? क्यों हम उड़ रहे? मैंने कहा ना, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ गरीबी, वो गरीब ना, गरीबी है ना महंगाई है, ससुराल से धन मिल गया होगा खूब, इसलिए रहे ससुराल से, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो मैं आरोप के मानने के लिए तैयार हूँ ना, लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मिलते, इन्होंने कहा कमाते हो, मैं नहीं कमाता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ना गरीबी है ना सर। अच्छा महंगाई बेरोजगारी? नहीं नहीं सर, इधर से बोलिए, इधर से। दिल्ली के जमुना पार की इलाका बहुत गरीबी से गुजर कर पा सर कर रहा, कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, 50 आदमी में। सर जनता कहाँ मान रही है इस बात को कि महंगाई है, गरीबी कहाँ मान रही है? गुजरात में 156 सीट आया, गुजरात में दो पार्टी लड़े हैं, देखो मोदी हवा था तो क्यों दिल्ली से हारे दो इलेक्शन, मोदी तीसरा इलेक्शन भी हार गए, दिल्ली की बात क्यों नहीं ले रहे? गुजरात की जनता क्यों नहीं समझ रहे? दो पार्टी लड़ गई थी वहाँ, आप पार्टी आ गए, कंफ्यूजन हो गया, जीत गया। क्या 24 में कुछ दिखेगा? इस पे असर पड़ सकता है मोदी जी के महंगाई के नाम पर, रोजगारी असर पड़ेगा। आप देखिए ना, एक्सप्रेस में जाइएगा तो वही भाड़ा, अब पैसेंजर में जाइएगा तो वही भाड़ा। अच्छा तो फिर जो सर है, अभी तो धर्म के नाम पे राजनीति छिड़ रहा है जो मोदी के राज में, सब मिनिस्टर क्या कुछ नहीं है, जो एज ए PMO है, सब निर्णय वहीं से होता है, मोदी जी अपने खुद निर्णय ले। अच्छा, क्या लगता है ये महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बन पाएगा या धर्म की राजनीति ही होगी? धर्म के BJP शुरू वाला से धर्म राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान हवा उड़ा देंगे ऐसा ना, एक आध को पाकिस्तान पर फिर बम फोड़ देंगे, पब्लिक का दिमाग चेंज हो जाएगा, सब महंगाई मुद्दा खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी मुद्दा खत्म। सही बोल रहे, देखो महंगाई तो है, महंगाई को कोई नहीं देख सकता, कारोबार तो बंद है, कारोबार बिल्कुल किसी के है नहीं, आज रिक्शा चलाने वाला भी 10 रुपए अपने घर ले जा नहीं सकता। क्या सर सही में महंगाई है, बेरोजगारी है? इनसे बात करो पहले, इनसे बात करो। क्या अंकल है, बेरोजगारी तो है ही है। अच्छा, लोग मानते कहाँ है इस बात को सर? भैया कारण क्या है, सब सबको पता, सरकार कोई भी आ जाओ यही काम करना है, आखिर में एक चारा रह जाओ और कुछ नहीं है। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी। अच्छा मोदी आ जाओ, मोदी मोदी सर बोल तो रहे महंगाई बेरोजगारी फिर भी आएगी मोदी आएगी, हम तो बोले कि नहीं आएगी, नहीं बोले, लेकिन मैं भी मोदी समर्थक था, लेकिन अब नहीं रहा, इसी में वो आपको दोहा सुनाता हूँ, सुनाइए अच्छे से। हुई भूल सो हुई भूल, अब न चुनेंगे कमल के फूल, हवा चली उड़ी धूल, नहीं बचेगा कमल के फूल। चलिए अच्छा है, महंगाई आपको क्या लग रहा है कि नहीं है? आप बताइए ना, मेरा पर्सनली तो हम देखते रेट, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से हमारी भूल कमल की फूल। क्यों सर? बहुत हो गया अभी आज के डेट में, अडानी के जानते हैं ना आप, 1992 मतलब हर्षद मेहता आज का अडानी है। क्लियर? क्या मैम, एक मैम है आ जाइए। चलिए, भारत जोड़ो आंदोलन अभी चला ना फिलहाल में, जमीन पर बहुत धरातल पे बहुत लोग समझे हैं, और 24 में बिल्कुल सरकार बदलेगी 100%। 24 में बदलेगी, हम कंफर्म है।
सुपड़ा साफ होगा। किस मुद्दा को लेके बदलेगी? महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुसलमान, कहीं भी देख लीजिए। क्या सर सही में बदले? खान साहब इधर आइए, भाई साहब बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान भैया, महंगाई बेरोजगारी को बदनाम कर, महंगाई बेरोजगारी, हिंदू मुसलमान का बात नहीं हुआ। अरे कहाँ, कमाई के अनुसार महंगाई है, वैसे महंगाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई जमीन पर, जमीन का आंकड़ा देखो, अभी जो बजट पास हुआ किसका हुआ? ऐसा है जो कह रहे हैं कि भैया हम 2024 में जरूर बदलेगा, क्या सारे कांग्रेस को ही वोट देंगे? यही मैं भी खड़ा हूँ, हमसे दिलवा लेना तो मैं जानूंगा, हमारा खानदान जिंदगी भर। अच्छा मोदी जी क्यों सर, मोदी जी किस मुद्दे को लेके आएंगे? मोदी जी को मुद्दा बहुत कुछ है। क्या मुद्दा रहेगा? हम आपको बताऊं, हर किसी को साहस देना, आर्मी को जब भी होता है, आर्मी को, टीचरों को, यहाँ पे कोई कोरोना काल में जब दिक्कतें आई थी हर किसी को बोलते थे भैया टेंशन मत लो, बैठे हैं कार होगा, घबराने वाली बात नहीं है। गरीबों के लिए, मजमुओं के लिए, हर किसी के लिए अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। क्या कोरोना काल में थाली भजवा दिया? थाली भजवा ठीक हो रहा है भाई, कोरोना काल में शुक्र मनाओ हमारा जो प्रधानमंत्री थे, जो इतना उन्होंने कंट्रोल कर लिया, दूसरा कोई नेता कंट्रोल नहीं करता। बोल रहे कि कोरोना में अगर प्रधानमंत्री मोदी थे इसलिए कंट्रोल भाई, ठीक है इन लोग का, भाई इन लोग का निजी मामला हो सकता है, लेकिन देश को गुलामी करने में हमारा वोट नहीं है। हम इसे बहुत खुश है कि हमारा वोट नहीं है, इन लोग का वोट है, देश को गुलामी करने में इन लोग का वोट है। देश को गुलामी करने, भाई देश गुलामी होकर जा रहा है, तो हम कैसे? हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह पाकिस्तान तो बढ़िया देश, आज हिंदुस्तान इतना बढ़िया है देश, पर हिंदू मुसलमान, हिंदू से ज्यादा मुस्लिम हमें सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को। क्या सर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? हिंदू से ज्यादा, एक तरफ आप बोल रहे हैं आराम से सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है, दूसरे तरफ बोल रहे हैं आएगी तो मोदी, क्यों सर? मोदी आएगी, देखो मोदी तो आना है, आएगा जरूर, चाहे धोखे से आवे चाहे किसी भी आवे, धोखे से भी आएगा, धोखे से ईमानदारी से आएगा, धोखे से ईमानदारी से ही आए हो मोदी, धोखे। अरे कोई नहीं चिल्लाई है, अब है कांग्रेसी पार्टी वाले सब चिल्लाई है, अरे ईवीएम आई हो, ईवीएम गड़बड़ी, कांग्रेस ही ना है, अब है सपा, बसपा, आम आदमी, ओबीसी, जे रहे सब चिल्लाए, केवल लास्ट वाम रह जाए ईवीएम, ईवीएम, भैया कुछ भी ना हुए ईवीएम में, कोई कुछ ना, जब जीत जा प्रदेश जीत जा तो हाँ सरकार बन जाए, तू बन जा तब तो कहो हाँ ठीक है ओके, और जहाँ गड़बड़ हो गया हार गया, झूठा आरोप लगा, अरे सही में झूठा आरोप लगता है, झूठा ही था ये सब, कोई सरकारी संस्था के ऊपर क्या ईवीएम में सही में धांधली होता है, ये झूठा सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। क्या क्या कह रहे थे? सारे हारेंगे, जीतेगा कौन सर? कोई नहीं जीतेगा, कोई तो बने, कोई नहीं, मोदी 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 जीतेंगे बस। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने हमारे देश के लिए जो किया है, क्या किया है? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? है? क्या किया? कितनी सहूलियत कर दी मोदी जी ने, सिलेंडर सब चीज फ्री है, सिलेंडर फ्री है, बोले गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, अभी डाका मारने जाएंगे मोदी जी, डाका मार के लाएंगे जब जनता को देंगे। अरे ले तो थे काला धन, काला धन सर, क्या सर क्या लगता है?